स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, जिस वीडियो में आप पीएम मोदी को बैठे हुए और राष्ट्रपति पुतिन को बैठे हुए देख रहे हैं। ये मुलाकात 2022 में हुई वो मुलाकात है जिसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन नहीं मिले। हर साल बैठक होती थी इनकी, लेकिन बैठक नहीं हुई। और यहाँ पर पीएम मोदी ने एक लाइन बोला था, जो लाइन पश्चिमी देशों ने पूरी तरीके से पकड़ लिया था और कोशिश करी थी कि भारत और रूस के बीच में एक दूरी जैसी आ जाए। लेकिन इन सब के बीच में अब भारत का ऐलान है पीएम मोदी जा रहे हैं रूस। वहीं दूसरी तरफ बड़ी ही अजीब बात देखने को मिल रही है, पश्चिमी दुनिया हैरान है कि क्या रूस को लेकर अब भारत अपना पाला बदल रहा है या फिर आगे रूस को लेकर रणनीति भारत की क्या होगी। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना बहुत खुश है और चाइना ने भारत को लेकर कहा है कि भारत ने तो गजब कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ ये सारा सीन है तो वहीं पाकिस्तान ने भारत को न्योता दिया है कि आप पीएम मोदी जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, अगला एससीओ का बैठक होने वाला है पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने भारत को न्योता दिया है, पीएम मोदी को न्योता दिया है कि आइएगा आप हमारे एससीओ की बैठक में। आधिकारिक निमंत्रण भी भेजा जाएगा, इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि भारत एससीओ का मेंबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी जाएंगे। खुद उनके ही देश में कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि पीएम मोदी नहीं आएंगे, और इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिनमें से एक, पाकिस्तान को अहमियत अब नहीं देता है भारत, इसलिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी भारत के लिए कोई जरूरी नहीं रह गया है। दूसरी चीज ये कही जा रही है कि पाकिस्तान चाइना दोनों को ही भारत ये चीज दिखा चुका है कि एससीओ को वो अब कमतर आंक रहा है, इसलिए इस मीटिंग में नहीं आएगा। तीसरा, उन्होंने और भी कारण सोचे हैं, जैसे कि भारतीय पीएम पाकिस्तान को लेकर पहले से ही एक अलग रूप में चल रहे हैं कि बॉर्डर में अगर शांति नहीं है तो फिर हम इस तरह की बातचीत और इस तरह के संबंधों को बढ़ाकर कोई खास फायदा नहीं करने वाले हैं। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर जो भी कहा जा रहा है 90% यही मानकर चलिए कि पीएम मोदी यहाँ नहीं जाने वाले हैं पाकिस्तान पर। एससीओ मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी कहना मुश्किल है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज हुई है और चाइना यहाँ पर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बैठक के पहले उछल रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, रणधीर जायसवाल जो कि भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं, उन्होंने इस बात को एक वीडियो के जरिए पब्लिश किया है कि चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का पहला कदम भारत रूस मीटिंग में होने वाला है और इसमें पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। इन्होंने पूरी हाईलाइट जारी करी है दोनों के पार्टनरशिप की और दोनों के रिश्तों की। तो यहाँ पर एक चीज तो तय हो गया है कि भारत भी इस मोमेंट को बहुत ही बढ़िया से दुनिया के सामने रख रहा है कि हाँ भारतीय पीएम जा रहे हैं। वहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, फुल फ्लेज विजिट, इसको लेकर भी यहाँ पर रूस की मीडिया भी कह रही है कि हाँ जी भारतीय पीएम की जो ये यात्रा हो रही है, ये यात्रा नो लिमिट वाली यात्रा है, हम हर चीज पर बात करेंगे। स्क्रीन पर आप 2019 की यात्रा देख सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी एक साथ आपको कई स्थलों पर दिखेंगे, और ये दोनों जब खड़े होते हैं ना तो नेचुरल रूप से दिखता है कि हाँ ये पुराने दोस्त हैं, पुराने सहयोगी हैं। और अभी तक रूस ने हर मौके में भारत को साथ दिया है, जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, द प्रिंट का ये आर्टिकल है। पीएम मोदी की रूस यात्रा से पहले ही भारत और रूस का जो जॉइंट वेंचर है, इसने 35,000 AK-203 राइफल्स आर्मी को दिए हैं। ये एक बड़ा तोहफा है, उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया गया और इसे भारतीय सेना को सौंपा जा रहा है। भारत और रूस के रिश्तों की बात करें तो भारत और रूस का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अलग है,
पर पिछली बार जो मुलाकात हुई थी ये मुलाकात बड़ी दुखी कर देने वाली मुलाकात थी। ऐसा कुछ बड़ा अच्छा सा वो बॉन्डिंग नहीं देखने को मिला था। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख सकते हैं, पीएम मोदी आते हैं, राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं, जबकि दोनों का पुराना स्टाइल रहा है। बहुत सारे वीडियोज देखेंगे जिसमें वो दोनों गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गले मिलते हुए नहीं दिखते हैं। कारण साफ था कि ये युद्ध हो रहा था और युद्ध की वजह से यहाँ बॉडी लैंग्वेज चूंकि मायने करती है, पीएम मोदी ने गले नहीं लगाया या ये दोनों गले नहीं मिले। फिर यहाँ पर बैठक हुई, बैठक में पीएम मोदी ने इस बात को कहा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये समय युद्ध का समय नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने उस समय बहुत ज्यादा इस लाइन को पकड़ा था कि ये समय युद्ध का समय नहीं है। हालांकि इस पूरे मीटिंग में एक क्षण ऐसा आया था जिस क्षण में ये देखने को मिला था कि पुतिन अपनी पुरानी दोस्ती को जाहिर कर रहे थे। जैसे कि यहाँ देखिए, इन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कल आपका बर्थडे है, पीएम मोदी का अगले दिन बर्थडे था, लेकिन मैं अभी आपको विश नहीं करूँगा क्योंकि रूस में मान्यता है कि कभी भी एडवांस में जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं देनी चाहिए। इतनी बारीकी से किसी चीज पर ध्यान रखना यह बतलाता है कि आप अपने रिश्ते को कितने अच्छे से ले जाना चाहते हो। पर इन सब चीजों में अचानक से जो पीएम मोदी के रूस की यात्रा की बात हुई है, पश्चिमी दुनिया हैरान है कि आखिरकार भारत कर क्या रहा है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पीएम मोदी की रूस विजिट का मतलब है नॉन अलाइनमेंट वापस से आ गया। वहीं चाइना के विशेषज्ञ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स में, ये चाइना के विशेषज्ञ हैं, सुचाऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं विक्टर गाओ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर जा रहे हैं, इसको अमेरिका को या पश्चिमी दुनिया को आश्चर्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने खुद को अमेरिका और पश्चिमी देशों के अच्छे दोस्त के रूप में दिखाने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ रूस का पारंपरिक दोस्त और सहयोगी भी साबित किया है। प्रोफेसर गाओ ने कहा कि भारत का ये स्मार्ट कदम है क्योंकि वह वही कर रहा है जो नई दिल्ली के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी है, लेकिन एक चीज जिस पर दोनों ही फोकस कर रहे हैं वो है एनर्जी। भारत जानता है उसे कच्चे तेल चाहिए और कच्चे तेल के मामले में रूस भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर सामने आया है, दोनों साथ काम करते हैं। तो भारत को मध्य एशिया के रास्ते रूस से सीधी प्राकृतिक गैस मिल सकती है। रूस से गैस मिलना औद्योगिकरण के साथ ही भारत की निर्माण क्षमताओं के विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भारत अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना चाहता है, इकोनॉमी रिफॉर्म तभी होगी जब आपके पास ईंधन होगा, ऊर्जा होगा, और भारत इस ऊर्जा को अपने पास लाना चाहता है। कहा जा रहा है कि भारत जिस तेजी से अपने आप को बढ़ाना चाहता है, वैसे में भारत को सबका साथ चाहिए और भारत नॉन अलाइनमेंट को यहाँ पुश कर रहा है। वैसे चाइना के विशेषज्ञ चाहे किसी भी सोच को मन में रखकर ये बातें कह रहे हों, पर हाँ ये बात सच है कि एनर्जी की जरूरत भारत को है और भारत को इस वक्त सस्ते में एनर्जी मिल रहा है रूस से। पर दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत और रूस बहुत पुराने और मजबूत दोस्त हैं, G20 में इसका नमूना देखने को मिला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।